हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल लव योरसेल्फ। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एकदम हलवाई स्टाइल दानेदार मोहन थाल की रेसिपी। तो देखिए कितना सॉफ्ट और अच्छा सा दानेदार मोहन थाल तैयार हुआ है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 3 कप बेसन, और अभी इसमें मैं डाल दूँगी 3 बड़े चम्मच दूध, 7 में ही डाल देंगे 3 चम्मच घी। तो अभी इन्हें हम अच्छी तरह से हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए इन्हें हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और इसमें छोटे छोटे दाने भी आ चुके हैं। अभी इसे मैं 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही रेस्ट पर रख देंगे हमने। तो देखिए 10 मिनट हो चुके हैं और इसमें अच्छे से दाने आ चुके हैं। अभी इसे हम ग्राइंडर में थोड़ा सा ग्राइंड कर लेंगे। तो अभी इसे हम डाल देंगे ग्राइंडर में। तो सारे बेसन हमने डाल दिया है, अभी इसका ढक्कन बंद कर लेंगे। और इसे अभी हम ग्राइंड करेंगे और स्टॉप करेंगे, फिर से ग्राइंड करेंगे और स्टॉप करेंगे, ऐसे ही करते रहेंगे। नहीं तो अगर एक साथ ग्राइंड करेंगे तो ये स्मूथ हो जाएगा। तो चलिए अभी इसे ग्राइंड कर लेते हैं। तो ऐसे ही हमने 3 बार इसे ग्राइंड किया है और अभी ये तैयार हो चुका है, इसे हम निकाल लेंगे। तो देखिए ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने 1/2 कप घी को मेल्ट करने के लिए चूल्हे पे बिठा दिया था। घी मेल्ट हो चुका है, अभी इसमें हम डाल देंगे ग्राइंड किया हुआ बेसन। तो बेसन डालने के बाद इसे हम अच्छी तरह से भून लेंगे। तो अभी इस बेसन को हम एकदम लो फ्लेम पर ब्राउन कलर होने तक भूनेंगे। तो इसे भूनने के बाद ध्यान रखिएगा, इसे कंटिन्यूअसली ऐसे ही हिलाते हुए हम इसे भूनेंगे ताकि ये नीचे से जल ना जाए। तो देखिए घी अच्छी तरह से इससे निकलना स्टार्ट हो चुका है। तो इसे ऐसे ही हम भूनते रहेंगे कंटिन्यूअसली हिलाते हुए। तो देखिए ये धीरे धीरे ब्राउन होना स्टार्ट हो चुका है। और एक बात, अगर आप लोगों को भूनते वक्त घी नज़र ना आए, अगर ड्राई ज़्यादा हो तो आप और थोड़ा सा घी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए ये वाला धीरे धीरे ब्राउन होना स्टार्ट हो चुका है। अभी इसमें हम डाल देंगे 1 कप दूध। यहाँ पे मैंने फुल फैट मिल्क इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास खोया है तो आप खोया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल मेरे पास खोया नहीं है इसलिए मैं दूध इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो दूध डालने से भी इसका टेस्ट बिल्कुल एक जैसा ही होता है, इसमें टेस्ट का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अभी दूध डालने के बाद इसे अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे और अच्छी तरह से इसे भूनेंगे फिर से, जब तक कि ये पूरा ड्राई ना हो जाए।
तो लिक्विड दूध को मिलाने के बाद अभी इसमें हम डाल देंगे 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर और अभी इसे भी अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो देखिए ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अभी इसी कंसिस्टेंसी में हम गैस को ऑफ कर लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। तो जब तक ये ठंडा हो रहा है हम इसके लिए सिरप तैयार कर लेते हैं। अभी तो यहाँ पे मैंने पैन को चूल्हे पे बिठा दिया है। अभी इसमें मैं डाल दूंगी 1 कटोरी चीनी और अभी इसमें हम डाल देंगे 1.5 कप पानी। अभी चीनी को अच्छी तरह से मेल्ट होने देंगे। तो देखिए चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। अभी इसमें हम डाल देंगे कुटी हुई इलायची पाउडर। तो देखिए हमारा सिरप बिल्कुल तैयार हो चुका है। अभी हम गैस को ऑफ कर लेंगे और इस गरम सिरप में डाल देंगे बेसन के मिक्सचर को। तो अभी धीरे धीरे हम इस सिरप को डाल देंगे। तो हमने सारा सिरप डाल दिया है। अभी हम गैस को ऑन कर लेंगे और इसे और थोड़ा सा 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। तो देखिए ये कितना गाढ़ा हो चुका है। तो देखिए ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अभी हम गैस को ऑफ कर लेंगे और इसे निकाल लेंगे एक थाली पर। तो यहाँ पे मैंने एक थाली के मिडिल में थोड़ा सा घी लगा लिया है अच्छी तरह से। अभी यहाँ पे मैं डाल दूंगी बेसन के मिक्सचर को। तो इसे थाली पे डालने के बाद इसे अच्छी तरह से हम चारों तरफ से सेट कर लेंगे। तो देखिए इसे हमने अच्छी तरह से चारों ओर से सेट कर लिया है। अभी इसे हम 2 घंटे के लिए फ्रिज पर रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। उसके बाद हम इसमें से काटेंगे इसका शेप। तो रेफ्रिजरेटर में रखने से पहले इसमें हम डाल देंगे छोटे छोटे काजू के टुकड़े ताकि ये भी अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो 2 घंटे हो चुके हैं। अभी हमने इसे फ्रिज से निकाल लिया है तो अभी इसे हम काट लेते हैं। तो देखिए हमने सारे काट लिए हैं। अभी एक पीस आपको उठा के मैं दिखा देती हूँ। तो देखिए हमारा मोहन थाल बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अगर आप लोगों को ये वाला रेसिपी पसंद आया हो तो प्लीज़ इस रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि ऐसे ही नए रेसिपीज़ और वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। थैंक यू।